तो नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं हम आज एनसीडी ऐप के बारे में देखेंगे। एनसीडी ऐप को कैसे ऑपरेट किया जाए और एनसीडी ऐप पे कैसे डाटा को फिल किया जाए। तो मैंने यहाँ पे अपनी एनसीडी ऐप को ओपन किया हुआ है। ये इसका मेन डैशबोर्ड है। मेन डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पर ऊपर सबसे पहले देखिए कॉर्नर पे लेफ्ट साइड में एक एनसीडी ऐप का लोगो है। देन यहाँ ऊपर आशा फॉर्मेट, आशा फॉर्मेट का मतलब है कि जो सीबैक आशा भर के लाई है वो डिटेल यहाँ से हमें एंटर करनी होती है। ठीक है, वापस जाते हैं। और इसके बाद में एक ऑप्शन यहाँ है सर्च का, इस जगह पे क्लिक कर किया हुआ है, नाम लिखा हुआ है। तो जो भी आप जैसे किसी का नाम या आईडी कार्ड नंबर या कुछ भी एंटर करोगे, फ़ोन नंबर, तो वो आपको यहाँ पे सर्च में से डायरेक्टली सर्च हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति डायरेक्ट स्क्रीनिंग करवाने आता है तो हमें यहाँ ऐड न्यू फैमिली पे ही जाके और उसकी प्रोफाइल में पूरा फिल करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक एग्ज़ाम्पल। पहले हम इसकी पूरी चीज़ों को समझ लेते हैं। एक यहाँ आशा फॉर्मेट है, उसके साइड में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, उसके बाद में सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का मतलब है कि जो डाटा हमने फिल किया है ऑफलाइन उसको ऑनलाइन चढ़ाना। ठीक, उसके बाद में यहाँ एक ये ऑप्शन खुलता है, ये है बीक टास्क, इस बीक में हमने क्या काम किया इस तरह का। ठीक है, और उसके बाद में यदि हम ये तीन डैश को खोलते हैं तो यहाँ हमें कितनी सारी चीज़ें होती है ये आप देख सकते हैं। डैशबोर्ड, एनसीडी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, सिंक्रोनाइज स्टेटस, सब सेंटर प्रोफाइल। तो डैशबोर्ड ये सामने खुला हुआ है। एनसीडी परफॉर्मेंस रिपोर्ट में क्या आपकी एनसीडी में चल रहा है वो शो करेगा, सिंक्रोनाइज स्टेशन में कब सिंक्रोनाइज किया है वो शो करेगा। सब सेंटर प्रोफाइल ओपन करके देख लेते हैं एक बार। सब सेंटर प्रोफाइल में जैसे हमने देखा यहाँ सब कुछ, हम नाम, ANM ID, ये सब कुछ चीज़ें हैं, जगह आ रही है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम ऐड ब्लेज में जाके हम अपने ब्लेजेस को ऐड कर सकते हैं। ठीक, ब्लेजेस ऐड लेकिन हमसे नहीं होंगे, ये इसकी ब्लॉक लेवल से ऐड होते हैं ये सिस्टम के थ्रू। इसके बाद में क्योंकि जैसे कि देखो सब सेंटर प्रोफाइल में हम यदि ब्लेज ऐड करने जाते हैं तो यहाँ ऑलरेडी ब्लेड ऐड किए हुए हैं। अब जैसे हम अदर करके कोई नया यदि गांव जोड़ना चाहे जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया यासिन नगर, पॉपुलेशन ऐड की 1000, तो ये यहाँ ऐड नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा यदि चलो हम दूसरा नाम डाल के देखते हैं, रानीगंज को हम ऐड करना चाहें तो ये भी यहाँ ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये ऐड ब्लॉक लेवल से ही होते हैं। उसके बाद में दोबारा हम वापस जाते हैं और वापस जाके एक बार फिर देखते हैं कि सब सेंटर प्रोफाइल में हम फ्रेंड्स ये ज़रूर कर सकते हैं कि जैसे कोई गांव ऐड किया हुआ है तो हम उसकी पॉपुलेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। पॉपुलेशन में यदि बदलाव हो, बढ़े घटे, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं यहाँ जाके। ठीक है, जैसे यदि सपोज करो ये 1800 नहीं, यदि इस साल 50 पॉपुलेशन बढ़ी तो हम यहाँ 1850 करके, और देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, 1850 हो चुकी है पॉपुलेशन, इस तरह से हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है इस डैशबोर्ड के नीचे, टोटल पॉपुलेशन। जैसे हमारे यहाँ की टोटल पॉपुलेशन लिखी हुई है 6561, तो उसमें से इन्होंने ऑटोमेटिक 30 साल से ऊपर के व्यक्तियों का टारगेट निकाल के दिया है 2427, नंबर ऑफ स्क्रीनिंग डेज निकाल के दिए 121 दे,
और घर निकाल के दिए हैं परिवार 1312। 1312 परिवारों के अंदर टोटल परिवार इन्होंने, एक परिवार में लोग पांच पांच लोग मानते, तो उसके हिसाब से इन्होंने 1312 परिवार निकाल के दिए और 2427 टारगेट निकाल के दिया है। लेकिन टारगेट चेंज हो सकता है सर्वे के अकॉर्डिंग। तो ये था सेटिंग्स। अब हम वापस चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ। देखिए यहाँ ऊपर सब शो कर रहा है टारगेट, कितने लोग एनरोल्ड हुए, 30 से प्लस लोग कितने एनरोल्ड हुए, फर्स्ट टाइम कितनी स्क्रीनिंग हुई, सेकंड टाइम कितनी स्क्रीनिंग हुई है, कितने लोग रेफ़र किए गए हैं, ठीक है। और यहाँ नीचे शो कर रहा है हाइपरटेंशन डायबिटीज़ की, कितनी फर्स्ट टाइम स्क्रीनिंग्स हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद अब हम एक फॉर्म को देखते हैं किस तरह से एक फॉर्म को भरा जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम चलते हैं वापस डैशबोर्ड पे। यहाँ मैंने लेफ़्ट साइड में एनसीडी पे क्लिक किया डैशबोर्ड पे और वापस डैशबोर्ड पे आ गया। अब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ ऐड न्यू फैमिली में। ऐड न्यू फैमिली में ओपन करते ही ये ओपन हो गया। यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पे जैसे मानिए हम भर रहे हैं एक फैमिली की डिटेल। हमने माना हेड ऑफ़ द फैमिली का नाम है अरविंद, उसके घर कैसा है, कच्चा पक्का स्टोन एंड मोर्टार, मतलब पत्थर और ईंट का बना, ईंट और पत्थर का बना हुआ। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है पक्का ईंट और कंक्रीट का बना हुआ या फिर कोई अदर। जैसे हमने माना पक्का घर है ईंट और पत्थर का बना हुआ, या फिर पक्का घर है ईंट और कंक्रीट का बना हुआ, सीमेंट का बना हुआ, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ राशन कार्ड आईडी का ऑप्शन है, चाहे तो आप भर सकते हैं चाहे छोड़ सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयलेट है, किस तरह का टॉयलेट है। पहला ऑप्शन फ्लश टॉयलेट विद रनिंग वाटर, फ्लश टॉयलेट है चलते हुए पानी के साथ में। दूसरा ऑप्शन फ्लश टॉयलेट विदाउट वाटर। तीसरा ऑप्शन है पिट टॉयलेट है, रनिंग वाटर सप्लाई है लेकिन। चौथा ऑप्शन पिट टॉयलेट है बिना पानी के। तो किस तरह का ऑप्शन है, जैसे यहाँ फ्लश टॉयलेट है विदाउट वाटर पे हमने क्लिक किया। अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कि उनके घर में बिजली का क्या सोर्स है, उजाले का क्या सोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, जनरेटर है, सोलर पावर है, केरोसिन लैंप है। सपोज़ करो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पे क्लिक किया हमने। सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, किस चीज़ का वो पानी पीते हैं, जैसे वो नल का पानी आता है उनके, और यदि वो उनके घर के अंदर भी हैडपम्प है, यदि वो बाहर का भी पीते हैं, तो सारे ऑप्शनों पे जितने ऑप्शन होंगे उन सब पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में APL BPL है, तो हम यदि हमें पता है तो हम कर सकते हैं क्लिक, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद में टाइप ऑफ फ्यूल कुकिंग में आप देख सकते हैं कि वो खाना किस चीज़ से बनाते हैं। तो पहला ऑप्शन है लकड़ियों से, दूसरा ऑप्शन है क्रॉप रेजिड्यू फसल का बचा हुआ अवशेष, तीसरा ऑप्शन है काऊ डंग केक मतलब गाय के गोबर के उपले का, चौथा ऑप्शन है कोयला, पांच ऑप्शन केरोसिन, छठा ऑप्शन है एलपीजी अदर। यदि कोई एलपीजी से भी बनाता है, काऊ डंग भी यूज करता है, तो हम फायरवुड लकड़ियाँ भी इस्तेमाल करता है, तो हम ये सब यहाँ पे तीनों चीज़ टिक करेंगे। उसके बाद में मोटरसाइकिल या कुछ उनके घर में है नहीं, यदि कुछ भी नहीं है तो हम अदर्स पे क्लिक करेंगे, और यदि कुछ भी नहीं है तो हम खाली छोड़ सकते हैं। यदि कुछ है तो हम अदर्स पे क्लिक करके, इनके अलावा कुछ है तो अदर्स पे क्लिक करके और लिख सकते हैं। जैसे कोई साइकिल चलाता है तो हमने यहाँ साइकिल लिख दिया। अब आती है ब्लेज, ब्लेज के ऊपर आप देख सकते हैं स्टार बनाए, मतलब ये भरना पड़ेगा नहीं तो फॉर्म आगे नहीं जाएगा। तो ये कंपलसरी है, इसको ज़रूर भरें। इसमें बेटर होगा कि सबसे अच्छा होगा आप किस विलेज का है वो वहाँ यहीं से एंटर करें, ठीक है। जैसे ईद जागीर का है तो
तो हम इसको यहीं से एंटर करेंगे। ये ऑटोमेटिक सब सेंटर प्रोफाइल में से ही पता, सब सेंटर प्रोफाइल में जो गांव चढ़े होते हैं वो यहाँ शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इम्पोर्टेंट जिसको हम चढ़ाना चाहे तो चढ़ाए, नहीं तो हम खाली छोड़ सकते हैं यदि अवेलेबल डिटेल्स अवेलेबल नहीं है तो। इम्पोर्टेंट यहाँ ब्लेज है, ब्लेज हमने चढ़ा दिया। अब यहाँ जैसे हम, ये तो हाउस होल्ड की डिटेल हो गई थी, मुखिया की डिटेल हो गई थी और घर की डिटेल हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर्टिकुलर व्यक्तियों की बात होगी, तो अब यहाँ पे जैसे हमें भी अरविंद, हमने मुखिया बताया अरविंद का ही भर रहे हैं तो हमने उसका नाम डाल दिया अरविंद। सरनेम यदि है तो हम लिख देंगे, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। मेल फीमेल क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है तो मैरिड। फादर्स का नाम यदि अवेलेबल है कार्ड पे तो हम लिख देंगे, जैसे सपोज हमने लिख दिया रमेश, ठीक है। अब यहाँ बात आती है एक डेट ऑफ बर्थ की और एज की, तो डेट ऑफ बर्थ पे यहाँ स्टार बना हुआ है, मतलब यहाँ हमें डेट ऑफ बर्थ भरनी है, ठीक है। या फिर हम सपोज किसी एज पे 30 साल लिख देते हैं तो भी सिस्टम ऑटोमेटिक डेट ऑफ बर्थ भी निकाल लेगा, आप खाली छोड़ सकते हैं। ये बेटर होगा कि आप डेट ऑफ बर्थ लिखे। कुछ लोगों को यहाँ दिक्कत हुई थी कि वो इस तरह से इसको एरो कर रहे थे, लेकिन ईयर पे जाने के लिए जैसे किसी का 1980 है तो आप यहाँ ईयर पे क्लिक करें, आपके पूरे ईयर्स खुल जाएंगे। ईयर्स खुलने के बाद में अपना ईयर जो भी है डेट ऑफ बर्थ वो छांट लीजिए पेशेंट का, तो ऑटोमेटिक एज कैलकुलेट होके आ गई 40 साल। एक बार दोबारा फिर भर देते हैं, देखिए ऑटोमेटिक एज कैलकुलेट होकर आ गई 40 साल। मोबाइल नंबर अच्छा है भर के चले हम, जिससे पेशेंट को सर्च करने में इजी होता है। एजुकेशन हम चाहे तो लिख सकते हैं, लिटरेट लिटरेट जो भी है, बाकी इसमें और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन हम चाहे तो भर सकते हैं। करंट स्टेटस ऑफ रेजिडेंस, रेजिडेंस का करंट स्टेटस क्या है, रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, क्या वो किसी तरह की हेल्थ स्कीम को रखना है, तो यहाँ पे हमेशा नो ही रखना है, ठीक है। यहाँ हम एक आईडी को डाल के चलेंगे, यदि वोटर आईडी है तो, नहीं है तो हम इसे, यदि कैंडिडेट मना कर रहा है तो हम इसे खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम यहाँ इसको सेव कर देंगे। ये एनरोलमेंट हो चुका है, एनरोलमेंट होने के बाद में भी आप देखेंगे कि सी बैक हिस्ट्री उसकी खाली है, मतलब अभी उसका सी बैक नहीं भरा है, ये सिर्फ एक परिवार की डिटेल चली है, ठीक है। ऊपर आप देख सकते हैं 5 ऑप्शन आ रहे हैं, फैमिली प्रोफाइल स्क्रीनिंग समरी जनरल। अभी हमने सिर्फ प्रोफाइल भरा है, अब हम स्क्रीनिंग के लिए इंडिविजुअल उस परिवार में जो व्यक्ति हैं वो सब इसमें ही आते जाएंगे, क्योंकि अब ये एक परिवार जुड़ चुका है जिसका मुखिया का नाम जुड़ गया। अब इस परिवार के जो भी व्यक्ति हैं वो सब इसी में आते जाएंगे। जैसे सबसे फर्स्ट सी बैक, सबसे पहले हम सी बैक भरते हैं। उम्र ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ गई 40 साल। तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी करते हैं या डेली करते हैं। एल्कोहल यानी कि शराब का सेवन करते हैं, यस नो जो भी है। कमर का माप लिखना है, कितने सेंटीमीटर है, 32, यस 90, 34 से 36 के बीच, 32 से सॉरी 34 से और 36 के बीच में यानी कि 91 से 100 के बीच में, ये 36 से ज़्यादा यानी कि 100 से ज़्यादा है, 36 नहीं सॉरी 38, 38 से ज़्यादा यानी 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो जो भी होगा वो लिख देंगे। यदि जैसे आपके पास कभी बेस्ट मीज़र करने का इंस्ट्रूमेंट नहीं है और तो आप अपने आईडी से लिख सकते हैं, जैसे मोटे लोग हैं तो 95 या 90 से ऊपर लिख सकते हैं, ज़्यादा मोटे लोग हैं तो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा, पतले लोग हैं तो 90 सेंटीमीटर से कम लिख सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी, किस तरह की वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या नहीं करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी से मतलब ये है कि मतलब वो जितना नॉर्मल काम करते हैं उसके अलावा कोई अलावा यदि फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो वो यहाँ लिखनी है, ठीक है। जैसे कोई यदि खाना बनाता है घर में, उसके अलावा यदि वो जैसे घूमने जाता है तो वो उसकी फिजिकल एक्टिविटी है, ठीक है, तो वो है, तो आप यहाँ उसको 150 मिनट से 1 सप्ताह में कम है
एक सप्ताह में 150 मिनट से कम है या ज़्यादा है उसके अनुसार लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ आती है कि उनके परिवार में किसी को, पेरेंट्स को, भाई बहन को इस तरह की शिकायत है, बीपी हाई, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, नो है तो नो, यस है तो यस। ठीक है, टोटल स्कोर यहाँ आ गया अभी तक 5। सीबैक का देखिए स्कोर आ चुका है 10 में से 5। अब बात करते हैं और आगे की, किसी के कैंसर हिस्ट्री है, नो। टाइप ऑफ फ्यूल में ऑलरेडी आ चुका है, हमने पहले भर ही दिया। यदि वो किसी कोई इस तरह का काम करते हैं जहाँ पे उनको बर्निंग एक्सपोजर मिलता है, यानी कि कोई चीज़ जलती है और उसका धुआं उनको लगता है, तो हम यहाँ इनमें से इनको भर देंगे, नहीं तो इनको हम खाली छोड़ देंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, ये हमारा स्क्रीनिंग का फर्स्ट पार्ट भर गया। स्क्रीनिंग के चार पार्टों में से रिस्क असेसमेंट फर्स्ट, अब सेकंड है अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन वाले पार्ट में यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यदि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है तो यस और नो जो भी होगा भरेंगे। कफिंग मोर देन 2 वीक, ब्लड इन स्पूटम, ये सब यहाँ पे टीबी के लक्षण लिखे हुए हैं, आप यदि नोटिस करोगे तो। ठीक है, यदि उसको कोई टीबी के लक्षण नहीं है तो आप सब पे नो करते हुए जाओगे। सांस लेने में दिक्कत नहीं है, 2 वीक से ज़्यादा कफ नहीं है, खून में उल्टी नहीं है, 2 वीक से ज़्यादा फीवर नहीं है, वजन लगातार कम नहीं हो रहा है, रात में पसीने नहीं आते हैं, कोई टीबी की ड्रग नहीं ले रहे हैं या ले रहे हैं, घर में कोई टीबी से सफ़र कर रहा है, हिस्ट्री ऑफ टीबी है, नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आ रहे हैं इसके बाद में, एनी चेंज इन टोन ऑफ वॉइस, ये सब यहाँ ओरल कैंसर के लक्षण शो शो किए हुए हैं। आप देखोगे तो कुछ ओरल कैंसर के लक्षण हैं ये तीनों, एनी चेंज इन टोन ऑफ वॉइस, नो, डिफ़िकल्ट इन ओपनिंग माउथ, नो, मुंह के अंदर कोई छाला, कोई घाव है इस तरह का जो जिसको 2 वीक से ज़्यादा हो गए हैं वो, तो वो भी नहीं। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ जो 3 लक्षण लिखे हुए हैं, एनी पेच और डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, ये सब यहाँ पर जो कुष्ठ रोग होता है उसके लिए लिखे हुए हैं, लेप्रोसी जो डिजीज होती है उसके लिए लिखे हुए हैं। एनी पेच और डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, कोई स्किन पे धब्बा या कोई ऐसा डिस्कलरेशन, यानी स्किन का कलर थोड़ा चेंज हो रहा हो, इस तरह का कुछ, किसी तरह के ऑब्जेक्ट को पकड़ने में, उंगलियों से पकड़ने में दिक्कत हो रही हो। ठीक है, और हाथ पैरों में या फिर मतलब स्किन पे उनके सेंसेशन का अभाव हो गया हो, सर्दी गर्मी का नहीं पता चलता हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लास्ट में हिस्ट्री ऑफ फिट्स, मिर्गी के दौरे वगैरह या कोई किसी भी तरह के दौरे आते हैं उसकी हिस्ट्री है, उसके बारे में लिखा हुआ है, तो ये सब लिख के हम सेव कर देंगे। उसके बाद में यहाँ अर्ली डायग्नोसिस आ चुका है कि पहले से पता है कि उनको कभी भी ये चीज़ डायग्नोस हुई है। यदि पेशेंट के हाइपरटेंशन पता है उसको तो यस करेंगे, नहीं पता है तो नो करेंगे। डायबिटीज़, कोई हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, कोई ऐसा बुंड जो भर नहीं रहा हो जो कि शुगर के लक्षण है, COPD, अस्थमा, ओरल कैंसर, और यदि कुछ भी हो तो आप यहाँ भर सकते हैं, जो कि यदि वो कोई भी बीमारी XYZ बताता है तो वह यहाँ भर के, और नो है तो नो करके और सेव कर देंगे। ठीक है, फिर पर्सनल एग्जामिनेशन वाला पार्ट आ गया। जिस दिन आप स्क्रीनिंग कर रहे हो वो डेट डाल दीजिए, हाइट लिख दीजिए, जैसे हमने यहाँ हाइट लिख दी 168, वज़न लिख दिया हमने यहाँ 65, तो BMI ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ गया 23। यदि यहाँ हम इस वज़न को बढ़ा के 85 करेंगे तो BMI देखिए 30 लिख के आ गया, 30.12, और यहाँ पे रेड हो गया, इसका मतलब ये व्यक्ति, इस व्यक्ति का BMI ज़्यादा है। आर यू वॉन्ट टू सबमिट अपडेट टू सी बैक, हिस्ट्री विल बी क्लोज्ड फॉर दिस ईयर, क्या आप सी बैक फॉर्म को जमा करना चाहते हैं, यस, तो आपने यस किया तो ये उसका सी बैक भर गया और यहाँ ऊपर निशान लग गया। तो फ्रेंड्स, ये सी बैक इसका यहाँ भरा जा चुका है।
और इसी तरह से इसके चार पांच पार्ट है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओरल स्क्रीनिंग, ब्रिस्ट, सर्वाइकल। अब आप देखेंगे यहाँ ब्रिस्ट और सर्वाइकल हमने वहाँ मेल भरा था, इसलिए यहाँ पे इसका ब्लैक हो रहा है। ब्रिस्ट स्क्रीनिंग और सर्वाइकल स्क्रीनिंग जहाँ लिखा हुआ है ब्लैक कलर शो कर रहा है, क्योंकि हमने वहाँ मेल कर दिया। यदि फीमेल होता ये तो इन ऑप्शन पे हम क्लिक करते तो क्लिक होता, लेकिन ये मेल है इसलिए यहाँ क्लिक ही नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बाद में अब आगे चलते हैं कि अब जैसे यदि बात करते हैं हम कि यदि इसी परिवार में हमें अब किसी और को जोड़ना है, जैसे अरविंद की घरवाली वाइफ को हमें जोड़ना है, तो हम यहाँ फैमिली पे जाएंगे, फैमिली पे क्लिक करेंगे। फैमिली पे क्लिक करने के बाद में यहाँ देखिए आप ऐड मेंबर्स का ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरह से इस परिवार में हम यहाँ मेंबरों को ऐड करते जाएंगे, सेम उसी तरीका से। ये देखिए ऐड मेंबर पे हमने क्लिक किया तो वही चीज़ आ गई खुल के वापस से, तो मेंबरों को जोड़ते जाएंगे और उस परिवार को। और यदि मानिए कोई व्यक्ति आपके पास आया और उसके घर से अभी कोई नहीं आया लेकिन 5-6 दिन बाद आया, तो हम उसका नाम डाल के, मोबाइल नंबर डाल के या फिर उसका आईडी कार्ड डाल के और यहाँ से दोबारा से सर्च करके और फैमिली में उसके ऐड कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए हम जैसे अरविंद का हमने भरा था, स्क्रीन पे क्लिक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन भरते हैं हाइपरटेंशन, डेट डालते हैं हम आज की, सिस्टोलिक जैसे 122 और यहाँ डायस्टोलिक जैसे हमने 82 भरा। ठीक है, और सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ कंपलसरी नहीं है, हम चाहे तो भर सकते हैं, नहीं चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं। यदि आप पल्स रेट, डायग्नोस्ड फॉर हाइपरटेंशन अर्लियर, पहले कभी हुआ है, नहीं हुआ है, यस नो, जो भी है, करंटली कोई ट्रीटमेंट चल रहा है हाइपरटेंशन का, रेफ़र करना चाहते हो। अब देखिए रेफ़र, यदि आप इसका हाइपरटेंशन ज़्यादा भरोगे 175 अपॉन 120, तो आप इसको, ये देखो रेड हो चुका है, तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। और यदि पेशेंट नॉर्मल है तो आप इसको रेफ़र करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमने यहाँ पर सेव कर दिया है, ये हमने यस किया था रेफ़र के लिए। जब भी हम रेफ़र करेंगे तो हमेशा पीएससी पे ही रेफ़र करेंगे। तो हम यहाँ वापस से नो कर देते हैं जिससे ये ऑप्शन क्लोज हो जाएगा और इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ लिखा आया है कि एडवाइस फॉर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, स्टॉप स्मोकिंग, हेल्दी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी। मतलब व्यक्ति को स्मोकिंग बंद करने के लिए कहिए, अच्छी डाइट लेने के लिए कहिए और फिजिकल एक्टिविटी चालू करने के लिए कहिए, क्योंकि हमने सी बैक में स्मोकिंग करते हुए दिखाया था और फिजिकल एक्टिविटी कम दिखाई थी, इसलिए यहाँ पे ये इस तरह से बोल रहा है। ओके कर देंगे, ओके कर दिया। ठीक है, एट रिस्क यहाँ लिखा आ रहा है हाइपरटेंशन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे स्मोकिंग, एल्कोहल, ये चीज़ें हमने उसकी दिखाई हुई है। ठीक है, फिर आती है बात शुगर की, तो रैंडम ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर का मतलब किसी भी समय लिया हुआ ब्लड शुगर, खाली पेट नहीं, किसी भी समय लिया हुआ ब्लड शुगर जो भी आया हमने वहाँ ये भर दिया। ठीक है, और उसके बाद में यदि हमने ये नॉर्मल क्वांटिटी भरी तो 94 जैसे भर दिया, लेकिन यदि हमने जैसे यहाँ एक क्वांटिटी भरेंगे अब नॉर्मल, तो ऑटोमेटिक वो रेड हो जाएगा, तो उस केस में वहाँ रेड हो जाता है तो रेफ़र करने की आवश्यकता है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और भी जांचें हैं तो वो हम वापस से उसकी भरेंगे। फिर उसके बाद में ओरल स्क्रीनिंग, सेम डेट डाल देंगे। एनी इश्यू इन माउथ, कोई इश्यू है माउथ में, यस नो, जो भी है, यदि कोई इश्यू है तो ये ऑप्शन खुल जाएंगे, जो भी इश्यू होगा हम उसको भर देंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन मुंह की कैविटी में कोई रेड पेच है, दूसरा ऑप्शन स्पाइसी फूड टॉलरेट नहीं कर पाते, तीसरा ऑप्शन वॉइस में कोई चेंज है, मुंह खोलने में दिक्कत होती है, मुंह में कोई अल्सर है। ठीक है, तो यह सब हमने यहाँ नो कर दिया और सेव कर दिया। उसके बाद में हमने कोई इनको प्रॉब्लम दिखाई नहीं, यदि हम यदि कोई पेच दिखाते हैं, यदि ये वाइट पेच दिखाया हमने, तो हमें यहाँ क्लिक करना है कि किस जगह पे वाइट पेच, जैसे हमने ये डॉट डॉट जो बनी वापिस हो गया एक बार, ये
दोबारा ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने इनको बताया कि एक वाइट पेज बना हुआ है, हमें ये शो करना है, हमने ये दिखाया कि तालू पेन के जो पैलेट है वहाँ एक वाइट पैलेट है, सॉरी पैलेट पे एक वाइट पेज है, तो वहाँ एक रेड कलर का हमने उस पर क्लिक किया तो वो रेड हो गया, तो उसका मतलब ये शो कर गया कि यहाँ इसके एक वाइट पेज है। ठीक है, ये हम नो कर देंगे। ठीक है, हम चाहे तो इनको भी खाली छोड़ सकते हैं और आगे बढ़ जाएंगे। फ़ोटो लेना है यहाँ से पेशेंट के मुंह को खुलवा के, और जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो कैमरा ओपन करने के लिए कहेगा। कैमरा कैमरा ओपन करना है और पेशेंट के मुंह का फ़ोटो लेना है। यदि नहीं, यदि पेशेंट नहीं है, फ़ोटो नहीं दे रहा है, तो छोड़ देंगे हम, सेव कर देंगे। रेफ़र करना है यस नो, नहीं करना रेफ़र तो सेव कर दिया, और ये हमारा यहाँ पे एक स्क्रीनिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये थी स्क्रीनिंग से संबंधित पूरी जानकारी। और इसी तरह से हम यहाँ पे पेशेंट्स को एंटर करते जाएंगे और डाटा को सिंक करते हुए चलेंगे। और कोई भी इश्यू हो तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं।